छात्र संघ प्रत्यक्ष चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छात्र संघ गठन कार्यक्रम की घोषणा शुक्रवार 14 अगस्त से होने के साथ ही चुनाव की शुरुआत होगी। इस बार सभी महाविद्यालयों को कुछ विशेष नियमों का पालन चुनाव के दौरान करना होगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों और कक्षा प्रतिनिधि के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है। चुनाव के अधिकारी घोषणा से पहले ही छात्र संगठन मतदाताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रख रहे हैं। इस बार बैनर पोस्टर की मनाही और शोर शराबा न करने की चेतावनी के बाद सोशल साइट्स का जमकर इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है, क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है। अधिकतर युवा उस सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपनी अच्छाई को, अपनी वास्तविकता को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में अपने भाइयों तक, बहनों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा प्राथमिकता शुरू से अपने दोस्तों से, भाइयों से जुड़ाव ही रहा है। हम डायरेक्ट उनसे संपर्क ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आधार वही रहेगा। अभी तो क्लास में कैंपेनिंग करने की का परमिशन नहीं मिला है, तो जैसे ही क्लास छूटती है, स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है और एक एक करके एनएसयूआई ने पूरे वर्ष भर, चाहे रिजल्ट हो, चाहे कोई भी इश्यूज हो जिन पर छात्र हित का काम किया है, उन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में जा रहे हैं और छात्रों के बीच में एक लहर है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। 14 अगस्त को छात्र संघ गठन कार्यक्रम की घोषणा के बाद 17 को कक्षावार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 18 अगस्त को आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिसके निराकरण के बाद 19 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 19 अगस्त को ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू होगी और 20 अगस्त तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 21 अगस्त को वैध अभ्यर्थियों की सूची जारी के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 22, 23 और 24 को विश्राम के बाद 25 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 17 तारीख से यहां पर ऐसा कोई भी छात्र प्रवेश ना करे जिसके पास परिचय पत्र ना हो या जिसने प्रवेश ना लिया हो। 17 तारीख को हम लोग लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। 18 तारीख का जो समय रहता है उस दिन फाइनल लिस्ट के लिए रहेगा। 17 तारीख को सुबह किसी को डाउट है, किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम क्यों आ गया, अगर कोई शंका आती है तो उसका समाधान करने का समय है। शाम को हम लोग फाइनली लिस्ट का पब्लिकेशन करेंगे 18 तारीख को। 19 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हुई जो 21 तारीख तक चलेगी। फाइनली 21 तारीख को फाइनल नॉमिनेशन हो जाएगा और 25 तारीख को छात्र संघ चुनाव होगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर महाविद्यालयों में सरगर्मी तेज हो गई है। पुराने छात्र नेता भी एक बार फिर से सक्रिय होते दिख रहे हैं और महाविद्यालयों में इनकी आमद देखी जा रही है। मगर इस बार सख्त हुए नियमों के तहत पूरे चुनाव कार्यक्रम के दौरान ऐसे तत्वों को महाविद्यालय से दूर रखने का प्रबंध भी कर लिया गया है। बिना परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को महाविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। एनएसयूआई और एबीवीपी के पैनल नए पुराने छात्र छात्राओं को लुभाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।